Hello, welcome to our show Rediscovering Nutrition. I am Vinita, your nutrition expert. Today, we'll be touching a very trendy topic which is intermittent fasting. और अगर आप intermittent fasting कर रहे हैं तो कुछ basic rules हैं जिनको better results के लिए आप follow कर सकते हैं. Drinking water, it is perfectly fine और हम अपनी body की need के according पानी पी सकते हैं. But sometime add pink salt or rock salt in your water, क्योंकि water को absorb करने के लिए minerals की भी ज़रूरत होती है. Tea, certain types of tea like green tea, cinnamon tea, ये हमें help करती हैं longer fasting में by controlling our hunger. Coffee is fine until the intake is not too much. However, instead of adding milk, add coconut oil and make it a bulletproof coffee. जब आप कोकोनट ऑयल ऐड करते हैं तो आपको सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं जिससे आप इजीली अपनी फास्टिंग विंडो इंक्रीज कर सकते हैं. पर बहुत ज़्यादा कोकोनट ऑयल ना ऐड करें क्योंकि तब आप बाहर से जो फैट्स डाल रहे हैं उसको यूटिलाइज करेंगे इंस्टेड ऑफ बर्निंग योर ओन इंटरनल फैट. कंज्यूम सी सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड हेडेक्स एंड फटीक. Now next point is, can we take supplements? जब हम fast करते हैं तब हम vitamins, minerals, electrolytes and omega-3 fatty acids ले सकते हैं because the calories are going to be so small और वो हमारी fasting को impact नहीं करेगी. ये हुई fasting की बात, now how to break it? आपकी fasting window जितनी लंबी होगी आपको refeed उतना ही slowly करना है. If you're fasting for 18 hours or 24 hours, मेक श्योर कि आप एकदम से ज्यादा ना खाएं बिकॉज आर सिस्टम इज नॉट रेडी फॉर इट. रादर कंज्यूम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड टू ब्रेक इट. फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल बाउल ऑफ सैलेड, एग या फिर एक चम्मच पीनट बटर. सो फर्स्ट नरिश योर बॉडी बिफोर प्रैक्टिसिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग. होप यू एंजॉयड द शो. डू कॉमेंट इन केस ऑफ एनी क्वेरी. लेट अस हेल्प यू इन रीडिस्कवरिंग न्यूट्रिशन.